नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, गादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। कारगिल युद्ध के 19 साल गुजर जाने के उपलक्ष्य में आजमगढ़ जिले में शहीदों के नाम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां जिले के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ मंगलायुक्त जगत राज ने फीता काट कर किया। इस दौरान 100 यूनिट से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। सबसे बड़ी बात, यहां पर आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के नत्थुपुर गांव निवासी राम समूह यादव के परिजनों ने भी रक्तदान करके लोगों को संदेश दिया। सीमा पर लड़ रहे जवानों के लिए रक्तदान करें, ताकि जब जरूरत पड़े तो खून की कमी ना हो सके। कारगिल विजय दिवस से 26 जुलाई है। इस दिन हमारे कारगिल पे विजय हासिल की थी हम लोगों ने, उस पर आज एक विजय दिवाला की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया ब्लड डोनेशन का। बहुत बढ़िया है, हम लोगों को बहुत गर्व हो रहा है कि कम से कम हमारे परिवार के जो लोग शहीद हुए हैं, जितने भी सैनिक लोग शहीद हुए, कम से कम उनके सम्मान के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम रखा जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद DM साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शहीद को इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मंडलायुक्त जगत राज ने रक्तदान शिविर में भाग लिया और इस पुनीत कार्य की सराहना करते हुए रक्तदान कर लोगों ने देशभक्ति का परिचय दिया है। ये ब्लड शहीद जवानों के परिजनों के साथ ही सीमा पर लड़ रहे जवानों के काम आएगा। कारगिल विजय शहीद दिवस के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, तो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कदम है। और जैसा कि मुझे बताया गया, करीब 100 यूनिट के आसपास जो है आज ब्लड डोनेट हो जाएगा। और साथ ही अन्य लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि वो लोग इससे प्रेरणा लें और ब्लड डोनेशन अधिक से अधिक कराएँ, क्योंकि इससे जो हमारा ब्लड इकट्ठा होगा वो जितने भी हमारे अमर शहीद हैं उनके परिवार के लोग हैं या जो युद्ध में लड़ रहे हैं उनके लोगों के लिए काम में आएगा। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी देशभक्ति है, बहुत बड़ी देश भावना है। देखिए, ये ब्लड जो है कलेक्ट किया जाता है और इसका एक ई रक्त कोष बनाया गया है, तो ये पूरा वेबसाइट में रहेगा, जहाँ कहीं ज़रूरत होती है उसको यूज किया जाता है। और निश्चित रूप से जो हमारे जवान हैं जो युद्ध में लड़ रहे हैं, हाँ, ये उनके याद में किया जा रहा है। और हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं सभी अधिकारी लोग, मैंने स्वयं जिलाधिकारी भी हैं, यहाँ के जो अस्पताल के जो इंचार्ज हैं सुमन, और जो है सुमन अर्पित किए हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं, ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।